हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूम में। तो दोस्तों, उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है और आज भी यह एक बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है, जिसमें ईडी और एसटीएफ के अधिकारियों ने चार शहरों में काशीपुर, देहरादून, धामपुर और रामनगर सहित चारों मिला के शहरों में एसटीएफ के अधिकारियों ने जाँच करी है और कुल मिला के यहाँ पर संपत्ति जब्त करने की बात की है। पूरी जानकारी जानते हैं। पेपर लीक कांड के आरोपियों के ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। तो ईडी के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा छापेमारी की गई और ये कल के दिन मंगलवार को ये छापेमारी की गई। कल 6 बजे से स्टार्ट हुई थी सुबह से और 7 बजे तक ये कार्रवाई चलती रही ईडी के अधिकारियों के द्वारा। तो कौन कौन से ऐसे जो आरोपी थे जहाँ जिनकी घरों में जाके उनकी संपत्तियों के जांच के आदेश दिए हैं या जांच करी, तो देखिए, दून सहित कई शहरों में एडवांस सर्च वारंट लेकर कार्रवाई के लिए पहुंची ईडी की टीमें। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी की कई टीमों ने देहरादून में हाकम सिंह समेत धामपुर, रामनगर और काशीपुर में भी घपलेबाजों के ठिकानों पर छापेमारी की और ईडी के सुबह 6 बजे चारों शहरों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की। तो चारों शहर कौन कौन से थी, ये आपका एक तो रामनगर हो गया, रामनगर में भी इन्होंने एक ही समय पर करा और काशीपुर, धामपुर हो गया और एक साथ ही यहाँ पर साथ ही आपका एक काशीपुर, देहरादून में भी ये आपकी छापेमारी की गई। ईडी आरोपियों की संपत्तियों के मूल्यांकन में जुटी रही, बाद में सबकी संपत्ति अटैच की गई। सूत्रों के मुताबिक देहरादून के तरला आमवाला में हाकम सिंह के घर पर मंगलवार सुबह ईडी की टीम 3 कार के साथ सवार होकर पहुंची और टीम ने घरों में घुसते ही हाकम सिंह के परिजनों के सभी फोन बंद कर दिए। साथ ही परिवार के मौजूद जितने भी परिवारजन थे उनके जांच में सहयोग करने के लिए मांग की। अनावश्यक हस्तक्षेप न करने को कहा गया। इसके साथ ही टीम ने हाकम सिंह की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और बैंक खातों और लॉकरों की जानकारी यहां पे जुटाई। ये है आपके हाकम सिंह के बारे में। साथ ही धामपुर में भी हुई, धामपुर में बिजनौर के धामपुर में स्थित केंद्रपाल के घर में भी छापा मारा गया। ईडी की टीम ने केंद्रपाल की पत्नी रुचि सिंह को हिरासत में लेकर घंटों पूछताछ यहां पे की। साथ ही काशीपुर में भी संदीप शर्मा हैं, उनके स्वर्गीय राजेश शर्मा मूल निवासी जो हैं उनके साथ भी यहां पे घंटों यहां पे कार्रवाई की गई और उनकी बैंक की पासबुक और जमीन संबंधित कागजात, ज्वेलरीज और अन्य दस्तावेजों की जांच की और लैपटॉप को भी खंगाला। आरोपी के जसपुर के साथ ही जिला मुरादाबाद के ठाकुरा द्वारा में भी 3 कॉलेज बताए जा रहे हैं। साथ ही रामनगर में आप जानते ही हैं चंदन मंदराल के लखनऊ लखनपुर स्थित आवास पर पहुँचे, जहाँ यहाँ टीम ने मंडल द्वारा खरीदी गई करोड़ों रुपए की संपत्ति के बारे में परिजनों से जानकारी जुटाई। साथ ही संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों को भी जांच की टीम ने कई महत्वपूर्ण कागजात भी उनके जब्त कर लिए। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन मंडल की कुछ संपत्ति पहले ही कुर्क कर चुका है। वही SSI अनीस अहमद ने बताया कि रामनगर में ईडी की टीम आई है। टीम की डिमांड पर स्थानीय पुलिस बल टीम को दिया गया। तो कुल मिला के आप पेपर लीक का मामला जो सामने आया था उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन में, वह 4 दिसंबर 2021 से सामने आया था और भर्ती पेपर लीक मामले का ये पहला मामला था। उसके बाद UKSSC को सारी भर्तियां यहां पे कराने के निर्देश नहीं दिए गए। बाद में ये सारी भर्तियां UKPSC द्वारा कराई गई। तो इस तरह से ये चार जो आरोपी हैं एक ही समय पर इन्होंने यहां पे जांच के आदेश दिए। अभी तक संपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। तो ये कुल मिला के गलत हो रहा है। बेरोजगार युवा इतनी मेहनत करते हैं और आखिरकार उनकी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। तो कुल मिला के इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या राय है आप ज़रूर बताएं।